में महिला पुलिस खास तौर से यहाँ पर बुलाई गई है उनकी सुरक्षा के लिए। आप लोग रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा के लिए आई हैं जी? आप रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा के लिए आई हैं? एक मिनट जाने दो, कहाँ जा रहे हैं आप? ये देखिए, मुंबई पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं और कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जो शिकायत की थी उसके बाद ये लोग आए जी। तो ये जो रिया चक्रवर्ती के घर का पिछला गेट है, यहाँ पर एक देखिए मुंबई पुलिस की एक वैन भी यहाँ पर आई है और मुंबई पुलिस के कई जवान वहाँ भी तैनात हो रहे हैं। जो पिछली सोसाइटी का जो पिछला गेट है वहाँ पर मुंबई पुलिस के तमाम लोग आए हैं। जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे आपको कि मुंबई पुलिस से सीबीआई ने ये इल्तिजा की थी, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से सुरक्षा दे ताकि उनका उनकी जो शिकायत थी सांताक्रूज थाने में जाकर उन्होंने की थी कि उनकी सुरक्षा को खतरा है उसको सिक्योर किया जा सके। और अब जब ये गाड़ी आ गई है तो उम्मीद ये है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त यहाँ से निकल करके डीआरडीओ गेस्ट हाउस जाएंगी और पूछताछ में हिस्सा लेगी। देखिए मुंबई पुलिस की टी शर्ट पहने हुए तमाम यहाँ पर जवान हैं और खास तौर से जो महिला जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर बोला गया। मैम बात करेंगे आप हमसे? नहीं नहीं, आप लोग रिया चक्रवर्ती के लिए आए हैं? बिल्डिंग तो नहीं के? साहब से बात करो। अच्छा साहब से, साहब कहाँ हैं आपके? तो ये देखिए जाहिर तौर पर अभी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आने वाले हैं यहाँ। रिया चक्रवर्ती के घर का नज़ारा एक बार जयपाल रावत जी दिखाइए। यहाँ पर अचानक से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से एक बड़ी सी वैन आती है, उसमें कई पुलिसकर्मी आते हैं, खास तौर से महिला पुलिसकर्मी को वहां पर तैनात किया जाता है। और देखिए ये जो गाड़ी स्टेशन की गाड़ी है, देखिए ये सांताक्रूज पुलिस स्टेशन जहां पर रिया ने कल शिकायत की थी और सीबीआई के दखल के बाद यहां पर पुलिस की एक टीम पहुंची। और देखिए गेट जो है वो खोला जा रहा है, मीडिया जो उसको हटाया जा रहा है और गेट को खोला जा रहा है ताकि पुलिस की टीम जो रिया चक्रवर्ती का घर है फर्स्ट फ्लोर पर वहां पर पहुंच सके। सुरक्षा मुहैया कराने की बात जो सीबीआई ने दखल लिया दिया जो है मुंबई पुलिस से कहा कि आप उन्हें सुरक्षा मुहैया कराइए और पुलिस की सुरक्षा में उन्हें सीबीआई गेस्ट हाउस ले आइए और वहां से फिर घर तक पहुंचाइए। और यही वजह है कि देखिए पुलिस की टीम गेट के अंदर अब जाने के लिए तैयारी में, क्योंकि जिस तरह से 10 बजे का वक्त था रिया चक्रवर्ती के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने का, लेकिन 2 से ज्यादा घंटे का डिले हो चुका है और यही मेन वजह थी। ये देखिए सर, साइड में हो जाओ उसको यहाँ पर लगा दिया गया था ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे कि कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर जा रहे हैं। और अब मेरी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को, जिसमें 4 महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा में लगाया गया। और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए कि ये जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो रिया चक्रवर्ती की जो बिल्डिंग है, जो उनकी सोसाइटी है, उसके अंदर गए हैं और 4 महिला पुलिसकर्मियों को रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। कल से ही रिया चक्रवर्ती लगातार ये शिकायत कर रही थी कि उनको घर से बाहर आने जाने में दिक्कत हो रही है, जो लोग और सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। और उसके मद्देनज़र सीबीआई ने आज 10 बजे जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, रिया चक्रवर्ती ने कहा कि बिना सुरक्षा के उनके लिए जाना ठीक नहीं होगा, वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। और उसके बाद सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट की थी और मुंबई पुलिस की रिक्वेस्ट के बाद जयपाल रावत एक बार फिर दिखाइए तस्वीरें कि एक जो मुंबई पुलिस की गाड़ी है वो आती है, इसके अलावा मुंबई पुलिस की एक वैन है वो आती है, उसमें से लगभग 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी उतरते हैं और 4 महिला पुलिस की जो सिपाही हैं वो लोग अंदर, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जा चुकी हैं अंदर। यानी अब किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने भाई सौविक के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहाँ पर सीबीआई जांच चल रही है, अस्थायी कार्यालय बनाया है, वहाँ पर जा सकती हैं रिया चक्रवर्ती। तो जैसा कि हमने खबर दी थी आपको कि कुछ देर पहले ही कहा था कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं खासतौर से उनको, और एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो गेट है, आइए जयपाल जी जरा इस गेट को दिखाते हैं। ये जो गेट है, ये जरा गेट देखिए, ये जो गेट है वो रिया चक्रवर्ती की सोसाइटी का गेट है और इसको बंद कर दिया गया है। और देखिए आप उस तरफ भी और इस तरफ भी जो पीली जो वर्दी है उसमें मुंबई पुलिस के जवान हैं, अब जो किसी को भी अंदर ना आने दे रहे हैं और जो अंदर उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। और इस बीच दूसरा जो गेट है पीछे का गेट, वहाँ देखिए तस्वीरें जयपाल राव जरा दिखाइए, यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान खड़े हो गए, इस गेट को भी सील कर दिया गया है, अब न कोई अंदर से बाहर आ सकता है और न ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। तो मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक के लिए कर दिए गए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से कुछ देर बाद
बाहर निकलेंगी। जयपाल रावत एक बार फिर तस्वीरें जब दिखाइए दर्शकों को, किस तरह से जो रिया चक्रवर्ती की सोसाइटी है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सामने का गेट आप देखिए, वहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े हो गए, और एक देखिए महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर बाहर भी तैनात हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि चार महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा में तैनात किया गया है, और कुछ महिला पुलिसकर्मियों को बाहर भी तैनात किया गया। और वो देखिए वहाँ पर बाकायदा पीली वर्दी में चार मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। गेट को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। दूसरी तरफ जरा सोसाइटी दिखाई, ये जो सोसाइटी है रिया चक्रवर्ती की, ये सोसाइटी है, और इस सोसाइटी को पूरी तरह से मुंबई पुलिस ने सिक्योर कर दिया है। यानी अब इस सोसाइटी में कोई भी बिना इजाज़त अंदर नहीं जा सकता है। तो अर्पिता, मुंबई पुलिस ने सीबीआई की जो सीबीआई ने उनको सलाह दी थी, एक तरह से रिक्वेस्ट की थी, उसको मान लिया है। और अब यहाँ पर ये जो गाड़ी लगी है, किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती यहाँ से सीबीआई की पूछताछ के लिए रवाना हो सकती है। सुबह 10 बजे उनको बुलाया गया था, लगातार हम कह रहे थे कि देरी हो रही है, और देरी की वजह अब स्पष्ट हुई है कि सीबीआई ने जो रिक्वेस्ट की थी कि इनको सुरक्षा दी जाए, रिया चक्रवर्ती को, वो सुरक्षा अब यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। अर्पिता।